हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉज भी करवा दिए थे कुछ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और आज हम करेंगे वेन डायग्राम्स। आइए देखते हैं वेन डायग्राम्स, इनका मतलब क्या है और ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। वेन डायग्राम नाम से पता चल रहा है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम सेट्स को एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। उसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि सेट्स कैसे कैसे किस पैटर्न में अपने आप को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। और जो भी मैंने पिछली बार बोला था, पिछले जितने भी लेक्चर में बोला मैंने कि इसमें इस स्टेटमेंट को मैं वेन डायग्राम से प्रूव करूंगा, तो वो भी सब हम वेन डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला वेन डायग्राम देखते हैं। अगर आपको दे रखा है कि ए एंड बी आर टू डिफरेंट सेट्स, इसमें थ्योरी बहुत कम है, शुरुआत के लिए मैं थोड़ा बहुत लिख रहा हूं। ए एंड बी आर टू डिफरेंट सेट्स इन विच ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, और इसको हमने कुछ एक और नाम दिया था, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में, डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपकी मर्जी है, इसके लिए आप ये स्पेस बनाएं या ना बनाएं। इसमें मैं एक ए बना रहा हूँ और एक बी बना रहा हूँ। अब हम जो भी सेट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे हमेशा वेन डायग्राम में, तो हम उसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिए जैसे ए को और बी को। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बॉल्स ये टच नहीं होने चाहिए, ये सर्कल्स टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट नहीं होते तो वो टच होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, वो हम आगे भी देखेंगे। तो डिसजॉइंट सेट से कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये अलग अलग है। इसके अंदर कुछ अलग एलिमेंट्स दे रखें और इसके अंदर कुछ अलग एलिमेंट्स दे रखें, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4। ये लिखना नेसेसरी नहीं होता, मैं बस एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। सेकेंड देखते हैं, अगर आपको फिर से दो सेट्स दिए गए हैं और दे रखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप इसे कैसे बनाएंगे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो आ ही रहे हैं, ए के सारे सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, इसको कैसे बनाएं फिर। मतलब जो ए के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी हैं, और ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। ठीक है, तो हम पहले एक छोटा सर्कल बनाएंगे, एक बड़ा सर्कल, और छोटे वाले सर्कल का मतलब ए के एलिमेंट्स और बड़े वाले सर्कल का मतलब बी के एलिमेंट्स। इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एक तरह से लग रहा है कि बी के अंदर ए कंटेंड है, तो सबसेट को इस तरीके से शो करते हैं वेन डायग्राम में। अगर लिखा होता बी इज अ सबसेट ऑफ ए तो उल्टा हो जाता, बी अंदर वाली बॉल और ए बाहर वाली बॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्हें, हर चीज रिप्रेजेंट हो सकती है सेट्स में। थर्ड देखते हैं, थर्ड से हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा। मान लो ये फिर से ए है और ये बी है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कुछ कॉमन रीजन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, जैसे ये हो गया बॉल ए और ये हो गया बॉल बी, ये सर्कल ए सर्कल बी, तो इनका जो ये कॉमन पार्ट है, हमारे लिए कॉमन पार्ट हमेशा क्या होता था, हम कॉमन लेते थे कब, जब बीच में साइन लगा होता था इंटरसेक्शन का। इसीलिए जो ये कॉमन पार्ट आ रहा है इसको हमने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस छोटे से बीच वाले पार्ट को बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये क्या है, पूरी बॉल ए और ये क्या है, बॉल बी। ठीक है, तो अब यहां से एक फॉर्मूला लगाने की नीड आई, क्योंकि हमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी इसमें सॉल्व करने थे। तो अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाया जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का हमें एक ही मतलब पता है। एक ही मतलब क्या पता है, कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिक्स कर दो, मतलब ऐड कर दो। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, कि बॉल ए भी आ जाए और बॉल बी भी आ जाए। तो मैं लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, अगर हम इसे ध्यान से समझे तो पूरी बॉल ए आ गई और पूरी बॉल बी आ गई, पर उसमें ये वाला रीजन, बीच वाला रीजन कितनी बार आ गया,
ये वाला रीजन बॉल ए के साथ भी आ गया और यही वाला रीजन बॉल बी के साथ भी आ गया, तो मतलब ये रीजन दो बार नहीं आ गया, पर आना कितना चाहिए था? एक ही बार, क्योंकि हर एक रीजन एक बार ही आना चाहिए। ठीक है, इसी बात को मैं आपको दोबारा एक और वेन डायग्राम से समझाता हूँ, सेम दोबारा बना रहा हूँ मैं। मैंने लिया एक बार बॉल ए को, जब मैंने ए को लिया इसका मतलब ये दोनों ले लिए, यही तो है पूरी बॉल ए। अब बॉल बी को लिया, बॉल बी को लिया तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये दोनों टिक के हुए क्योंकि बॉल यही तो है पूरी बी। ठीक है, वो रीजन अलग है इसलिए मैंने उसका अलग टिक दे दिया। इस टिक का मतलब है खाली ये वाला पार्ट, इस टिक का मतलब है खाली ये वाला पार्ट, ठीक है, और इन दोनों टिक का मतलब है बीच वाला पार्ट। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि जब मैंने बॉल ए और बी को इंडिविजुअल लेने की कोशिश करी तो ये वाला पार्ट गलती से दो बार आ गया, पर लेना कितनी बार था? हर एक को एक एक बार। इसीलिए फॉर्मूले में हम इसको सही बिठाने के लिए क्या कर देते हैं, एक बार ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को माइनस कर देते हैं, तो ये हट गया और ये सब कुछ एडजस्ट हो गया, सिंगल सिंगल टिक आ गए तीनों में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और देखते हैं वेन डायग्राम से, अब अगर दोबारा हम देखें, ये हमें ए दे रखा है, ये हमें बी दे रखा है, तो ये जो बाहर का स्पेस है ये क्या कहलाता है? ये हमेशा ज़्यादातर यूनिवर्सल कहलाता है। तो मैंने पहले क्यों लिखा कभी भी यूनिवर्सल की, जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम वहीं लिखेंगे। ठीक है, हर बार नहीं लिखेंगे, किसी क्वेश्चन में अगर दे नहीं रखा, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे जिसमें यूनिवर्सल नहीं दे रखा था और बहुत सारे क्वेश्चन में दे रखा था, तो जिसमें दे रखा होगा उसी में हम यूनिवर्सल भार लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर ए और बी डिसजॉइंट हो या डिसजॉइंट ना हो। ठीक है, ये हमें फिर से ए दे रखा है, ये हमें फिर से बी दे रखा है, तो इसमें क्या नया होगा? ये तो हमें पता चल गया कि ये हमेशा कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, तो इस वाले पार्ट को क्या कहा जाए, इस वाले पार्ट को जो मैंने डॉट 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 कर दिया, तो हमने एक चीज पढ़ी थी ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसका मतलब क्या था? ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो। तो देखो ध्यान से देखो, ए बॉल में से या ए सर्कल में से अगर मैं बी के सारे एलिमेंट्स हटा दूं, ये कॉमन वाले एलिमेंट्स, ये तो बी के पास है ना, ये जो कॉमन आ रहा है ये बी के साथ भी शेयर हो रहे हैं, अगर मैं ये भी हटा दूं तो ये खाली डॉटेड वाले बचेंगे और इसमें बी का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा? ए माइनस बी। इसलिए ये डॉटेड पार्ट जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ऐसी अगर मैं बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दूं, मतलब यही जो कॉमन पार्ट है ये वाला हटा दूं, तो ये जो मैंने खाली टिक करे हैं ये वाला पार्ट, ये क्या बन जाएगा? बी माइनस ए। तीनों अलग अलग रीजन है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक और फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जैसे यहाँ लिखा था, इज इक्वल टू, हमें तो बस तीन रीजन से मतलब है, वहाँ पर भी तीन रीजन से मतलब है, एक दो तीन, और उनको बारी बारी लिया, बीच वाला दो बार आ गया था इसलिए उसे माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी तीन रीजन अब अलग अलग है तो इनको अलग अलग लिख देंगे। सबसे पहला रीजन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। आप इस फॉर्मूले को भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, पर रेयरली ये यूज होता है, पर पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कब इससे यूज हो जाए कुछ पता नहीं। ठीक है, तो क्या पता, अब इसका क्वेश्चन ज्यादातर इस तरीके से आ सकता है जिसमें आपको इसे यूज करना पड़े, वो ये होगा कि आपको ये दे रखा होगा और ये दे रखा होगा और इन दोनों से एक और चीज दे रखी होगी, तो चार में से कुल मिला के तीन चीज दे रखी होंगी, चौथी निकाल दूंगी। पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको यही दे रखे होते हैं एग्जैक्टली, इसलिए इस फॉर्मूले के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता फिर वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको समझने में हम पूरा दिमाग लगा देते हैं पर हमें समझ नहीं आता इसको कैसे रिलेट करें, तो वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से रिलेट हो जाता है। आप वेन डायग्राम बनाओगे आपको फॉर्मूला झट से याद आ जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है इन सबको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ, आपको फिर से एक वेन डायग्राम दे रखा है। अगर आपको एक सिंगल ए दे रखा है, ठीक है, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे शेड करोगे आप? ए कॉम्प्लीमेंट कैसे शेड करोगे? बाहर यूनिवर्सल है, हमने क्या बोला था हमेशा
कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा हमेशा, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से इस पूरे डब्बे में से ए के एलिमेंट्स हटा दो, तो देखो बाहर पूरा आ जाएगा और अंदर वाला छोड़ देंगे हम। मैं जहाँ टिक करूँगा ना हमेशा, वो समझ लेना वो पार्ट मैंने ले लिया, मतलब मैंने बाहर टिक करा मतलब बाहर का सारा पार्ट ले लिया, ये सारा पार्ट मैंने ले लिया ठीक है, और अंदर वाला छोड़ दिया, तो ऐसे दिखाएंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको ये दे रखा है ए और बी के साथ कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं ठीक है, ये दो सेट्स बने हुए हैं, आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और शेड करना है। अब हमें एक चीज़ से पता चल गई है दो तीन वेन डायग्राम देख के कि ए यूनियन बी का मतलब किन दोनों बॉल्स के अंदर तीनों रीजन जो आ रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट और बीच वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ठीक है, मतलब दोनों बॉल्स का कवर हो रहा है। इसके अलावा बताना है हमें सब कुछ, ये तो होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यूनिवर्सल में से ये सब हटा दो, तो हम क्या करेंगे बाहर वाला फिर से सारा शेड कर देंगे और बॉल्स का सारा अंदर का पार्ट छोड़ देंगे ठीक है। इसी तरीके से मैं सेम फिगर बना रहा हूं दोबारे, फिर से ए सेट दे रखा है बी सेट दे रखा है, आपको बस ए कॉम्प्लीमेंट बताना है, मतलब ए बॉल के अलावा बाकी सब कुछ लेना है। तो क्या करेंगे, मैं ए बॉल को छोड़ के बाकी सब शेड कर दूंगा, देखो बाहर का सारा शेड हो गया, ए बॉल छोड़ दी बस पूरी ए बॉल ठीक है, उसके अलावा सब कुछ शेड हो गया, बी का इतना पार्ट शेड हो गया और बाहर का सारा हो ही गया, और बाहर क्या क्या था यूनिवर्सल। इसी तरीके से अगर आपको सेम तरीके से दोबारा दे रखा हो ये ए ये बी और पूछा जाए बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी के अलावा सब कुछ छोड़ दो ठीक है, तो बी के अलावा क्या होगा सब कुछ कि बी के बाहर का सारा ये भी, तो बाहर का सारा आ गया और ए का इतना पार्ट आ गया, बी बॉल हमने छोड़ दी पूरी ठीक है, बाहर क्या था यूनिवर्सल। इस तरीके से एक यूजफुल रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए माइनस बी कहाँ है, ए माइनस बी मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वाला रीजन होता है, ये वाला बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दोनों सेम नहीं है ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको देखना है हमें, अगर इसका आंसर भी यही आ गया तो हम प्रूव कर देंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि a माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसे कैसे प्रूव करें, a माइनस बी हमारे सामने है, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ऐसी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हों उनको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखना। आप a के लिए आप अलग से बनाओ छोटा सा वेन डायग्राम, बीच में इंटरसेक्शन लगाओ और यहाँ पे एक और वेन डायग्राम बनाओ, दोनों में a और b, दोनों में a और b, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ क्या लिखा है a को शेड कर दो बस, तो मैंने a में पूरा a के ले लिया, a को शेड कर दिया, मैंने खाली टिक मारे हैं कि ये वाला पार्ट भी आ गया ये वाला पार्ट भी आ गया, क्यों क्योंकि ये पूरा a में आ रहा है। यहाँ पे लिखा है b डैश, b के अलावा सब कुछ ले लो, तो b के अलावा सब कुछ लूँगा तो बाहर सब जगह टिक आ गया, आप शेड करना है शेड कर सकते हो, और a में ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला बीच वाला पार्ट नहीं लिया मैंने, क्यों क्योंकि ये b में आ रहा है, तो b में आ रहा है तो क्यों नहीं लिया, क्योंकि b के अलावा सब कुछ लेना है। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल में से b हटा दो, तो मैंने पूरे डब्बे में से b को शेड करे बिना बाकी सब शेड कर दिया, समझ में आई बात। अब इन दोनों में ढूंढो ध्यान से कि कॉमन टिक्स कहाँ है, कॉमन टिक्स कहाँ है, कॉमन क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में क्या है इंटरसेक्शन, तो मुझे ध्यान से देख के बताओ कि कॉमन टिक्स आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो कॉमन टिक ये बीच में है यहाँ पे बीच में नहीं है, यहाँ बाहर सब जगह यहाँ बाहर नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला टिक कॉमन आ रहा है, खाली ये वाला टिक। अब मैच करो क्या दोनों आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। इसी तरीके से आप और प्रूव कर सकते हो b माइनस a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a डैश। तो जो भी हम यहाँ फॉर्मुलेस इसमें से रिलेट कर पा रहे हैं वेन डायग्राम से, उनकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चंस में ठीक है, उनसे हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और वेन डायग्राम से अभी हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी डील करने हैं, उनका एक शॉर्टकट भी है मैं वही बताऊंगा, तो इसीलिए आपको वेन डायग्राम पे अच्छे प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो दिमाग में आ रहा है आप वो ट्राई करो ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी डैश करना है तुम्हें, उसका आंसर क्या होना चाहिए ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम प्रूव करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, वेन डायग्राम से ही डी मॉर्गन्स लॉ में आपको बताया था, इसमें अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बीच का साइन चेंज हो जाता है ठीक है,
तो LHS और RHS दोनों वेन डायग्राम पे हम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है तो इट ट्रू है वरना फॉल्स है। पहले LHS की बात करते हैं। LHS की बात अगर हम करें, ए बना लिया, बी बना लिया, ए यूनियन बी क्या होगा आपको पता है, ए यूनियन बी कितना होता है, इन तीनों में जब मैं टिक कर देता हूँ मतलब दोनों बॉल्स कवर होना चाहिए अच्छे से और बाहर होता है यूनिवर्सल, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इन दोनों बॉल्स के अलावा सब कुछ, मतलब बाहर का आ गया सब कुछ, ठीक है, मैंने बाहर टिक कर दिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट LHS। अब RHS की बात करते हैं। RHS की जब हम बात करेंगे तो इसको ध्यान से डील करना जरा। तो दो वेन डायग्राम लेना, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में लिए थे, ठीक है, फिर से यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे ए, यहां पे बी, बाहर यूनिवर्सल, इसमें भी बाहर यूनिवर्सल, ये ए हो गया तुम्हारा, ये बी हो गया। अब देखो बीच में क्या साइन है, इंटरसेक्शन, लगा दो इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के अलावा सब कुछ, मतलब ए के अलावा सब कुछ, तो मैंने एक तो बाहर टिक कर दिए और बी के बॉल में यहां टिक कर दिए, ठीक है, मतलब ए की बॉल के अलावा बाकी सब जगह, ये क्या कह रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ये है मेरा बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में फिर से वही बी के अलावा सब कुछ, मतलब यहां आ गया और बाहर आ गया सब जगह, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढो, कहाँ है, इसके अंदर यहाँ टिक है, क्या वहां है, नहीं है, इसके अंदर यहाँ टिक है, यहाँ पे है, नहीं है, कॉमन टिक ढूंढने हैं। कॉमन टिक्स का है खाली बाहर और बाहर, इसमें ही बाहर टिक्स हैं और इसमें ही बाहर हैं, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इन दोनों का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कि ए और बी बनाओ और टिक बस बाहर आएंगे। क्या दोनों आंसर मैच हो रहे हैं LHS RHS, बिल्कुल मैच हो रहे हैं, इसीलिए डी मॉर्गन लॉ बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा डी मॉर्गन लॉ भी ट्राई कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, और बीच का साइन पलट के यूनियन आ जाएगा, तो आप सेकंड वाले को भी बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेकंड वाला देख लेते हैं अब, इसमें LHS क्या हुआ, इसमें LHS क्या दे रखा है, ए बी ले लिया, यहाँ पे यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये बीच वाला पार्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ ले लिया। अब RHS को देख लेते हैं, RHS क्या कह रहा है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और बीच में दोनों का यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये ए दे रखा है ये बी, ये ए दे रखा है ये बी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए के अलावा सब कुछ, बाहर वाला और बी का इतना सा पार्ट, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का कुछ पार्ट और बाहर का सब कुछ, इन दोनों का क्या करना है, अब यूनियन, यूनियन का मतलब सारे जितने भी टिक्स है सब लगा दो। अब देखते हैं फाइनली आंसर क्या आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, उसके बाद एक तो बाहर टिक्स आ रहे हैं तो बाहर सब टिक्स लगा दिए, यूनियन का मतलब ऐड करने हैं, सारे टिक्स लगाने हैं जिस जहाँ जाएँ। अब बी के बाहर यहाँ पे टिक्स है, ये भी लगा दिए, ए के अंदर यहाँ टिक्स है, यहाँ लगा दिए, मतलब ये वाला पार्ट छोड़ दिया बस। अब ये वाला आंसर देखते हैं, दोनों आंसर मैच हो रहे हैं, इसका मतलब डी मॉर्गन लॉ का ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ट्रू है। इस तरीके से वेन डायग्राम में हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फिर से ये डैश अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ए, और बी डैश का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, और बीच का साइन हमेशा पलट जाता है, ये भी एक तरह से क्या है, डी मॉर्गन लॉ ही लग रहा है, बस मैंने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए और भी ज़्यादा, मतलब ये खाली एक डैश तो होता ही है, मैंने अंदर भी कॉम्प्लीमेंट लगा दिए इनके, तो ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी हो गया, और बीच का साइन फिर से चेंज हो गया। इसको भी एक बार देखते हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। LHS में फिर से देखें, पहले मैंने बना दिया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर बनाया मैंने बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों में इंटरसेक्शन, और पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना है फिर, ठीक है, मतलब जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देख लेते हैं पहले LHS की बात, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा है, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा है, और पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना है, याद रखने के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, तो
ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, भार वाला और बी का ये पार्ट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का ये पार्ट और भार का सारा। ठीक है, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ऑब्वियसली दिख रहा है साफ साफ कि भार का सारा पार्ट। भार का सारा पार्ट आ गया और इसका भी क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा डब्बे में जो कुछ है वो ले लो, मतलब इसके अलावा जहां जहां मैंने टिक कर रखा है, इसके अलावा जहां टिक नहीं हो रखा वो ले लो। तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा कि मैं दो सर्कल बनाऊं, यहां ए लिखूं या बी लिखूं, भार हो रखा है ना, तो भार के अलावा अंदर टिक कर दूंगा सर्कल्स में। और इनको हम और क्या बोलते हैं, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं शुरुआत से, ए यूनियन बी, और वही हमारा आंसर था। इसलिए RHS प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सिंपल LHS को प्रूव करा और हमें RHS मिल गया। ठीक है, ये मेरा अपना ही बनाया हुआ था। ठीक है, आप कुछ भी ऐसे मान सकते हैं, आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, और जब आप पहुंच जाओगे तो आप समझ जाइए कि आपको वेन डायग्राम अच्छे से आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैंने आपको एक और वेन डायग्राम बताया था जिसमें ये ए था, ये बी था, और मैंने बोला था कि हम बीच वाले पार्ट को हमेशा क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और इस वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी, और इस वाले पार्ट को हमेशा बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है, इससे रिलेटेड दो तीन फॉर्मूलेज और हैं, मैं वही आपको बता देता हूँ। देखो, क्या आपको ए बॉल में कौन कौन से पार्ट्स दिख रहे हैं, बॉल ए में एक तो ये पार्ट दिख रहा है, ये जो अलग है बिल्कुल, और ये भी बीच वाला पार्ट, और इनका अलग अलग हमें नाम भी पता है। ठीक है, इन तीनों का सम क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये लिखवाया था मैंने। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखना है मुझे खाली, तो क्या लिखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यही दोनों पार्ट तो आ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये एक और फॉर्मूला हमें मिल गया। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, एक तो ये पार्ट आ रहा है और एक ही बीच वाला पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज भी हम लिख सकते हैं। और इन्हीं इसी डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बताया था, वो सबसे ज्यादा यूज होएगा कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। पर ऐसा करने से एक एलिमेंट बीच का ही रीजन दो बार आ गया था, इसलिए हमने इसे एक बार माइनस कर दिया था ताकि ये एडजस्ट हो जाए और ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होएगा, इस पे हम बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही ये तो दो सेट्स दे रखे हैं, ऐसे तीन सेट्स का फॉर्मूला भी होता है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला ये है आपके तीन सेट्स के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे तीनों यूनियन में, यहाँ तीनों इंटरसेक्शन में, एक दो तीन, ये तीनों टर्म्स माइनस में और ये टर्म पॉजिटिव और ये तीनों भी प्लस में है। ठीक है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक बड़ा सा वेन डायग्राम बनाएंगे। जब एबीसी तीन सेट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे सर्कल्स भी तीन बनेंगे, ए बी और सी। ठीक है, इसका नाम हो गया ए, इसका बी और इसका सी। तो जब मैंने बॉल ए को लिया, मैं पूरा फॉर्मूला आपके सामने वेन डायग्राम से प्रूव कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने दो सेट्स का प्रूव किया था वैसे ही इसको करूंगा। मुझे तीनों बॉल्स का यूनियन चाहिए, मुझे ये चाहिए था बस। LHS को देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों बॉल्स चाहिए एक साथ। तो पहले बोला बॉल ए को ले लो प्लस बॉल बी को ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। इसका मतलब पहले बॉल ए में टिक कर लेते हैं, फिर बॉल बी में टिक कर लेते हैं। बी में जो जो आएगा उनमें टिक तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए ए में टिक करा, फिर बी में टिक करा, अब सी में करते हैं। सी में इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं जहां एक्स्ट्रा टिक्स हो गए हैं उनको माइनस करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम इनको सबको माइनस करते हैं, इसीलिए यहां पे ये सब हो गया था। अब देखते हैं
सबसे पहले ये तो सिंगल टिक है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको माइनस करते हैं, ये है क्या, ये है ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट। तो इन दोनों का, ए और सी को अगर हम खाली देखें, बी को एक बार मत देखो, ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है, ये दोनों, ए और सी का कॉमन पार्ट ये दोनों, ठीक है। इन दोनों में से, इन दोनों को अगर हमें माइनस करना है तो क्या माइनस करूंगा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में से एक एक टिक मैं हटा रहा हूँ, एक टिक हटा दिया और इसमें से भी एक टिक हटा दिया, ठीक है। अब ए और बी में आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी माइनस कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट जो भी है उसमें से एक एक टिक हटा दो। तो ए और बी का कॉमन पार्ट ये दोनों है, इसमें से एक टिक हटा रहा हूँ और इसमें से भी एक टिक हटा रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। माइनस, अब बी और सी पे आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पार्ट क्या है, बी और सी का कॉमन पार्ट ये दोनों है, फिर से इसमें से भी एक एक टिक हटा देता हूँ, एक टिक यहाँ से हटाया और एक टिक यहाँ से हटाया, तो सब कुछ सॉल्व हो गया, सिंगल सिंगल हो गए। पर ऐसा करने में बीच वाला बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया, बीच वाला ये है कौन, ये क्या है, ये तो तीनों का कॉमन पार्ट है, ये ए के साथ भी शेयर हो रहा है, बी के साथ भी और सी के साथ भी, इसका इसलिए नाम है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका नाम क्या है, छोटे, सबसे छोटे वाले पार्ट का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बिल्कुल ही गायब हो गया था, इसलिए एक बार इसे एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ा, इसलिए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको मैंने टिक कर दिया। फिर इस तरीके से सिंगल सिंगल टिक सब जगह आ गए और हमारा ये फॉर्मूला डिफाइन या प्रूफ हो गया। तो आप इसको एक तरह से प्रूफ मान सकते हो, ठीक है। तो ये था दो सेट्स के लिए, ये है तीन सेट्स के लिए, इसके बाद और कोई फॉर्मूले की नीड नहीं रहेगी। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो अभी पहले इन सब वेन डायग्राम्स को रिवाइज करो, एक बार बनाने की प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आता है तो व्हाट्सअप करो, ठीक है, 24 आवर्स के बीच में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड टू ऑफ क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।